हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिथ गुरु। आज हम क्या जानेंगे? कमर्शियल फार्मिंग के बारे में। तो बेसिकली कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है? कमर्शियल फार्मिंग के नेम से पता चल रहा है कि कैश क्रॉप्स की बात हो रही है, जो कि हम सेल करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? हम सेल करते हैं, यानी इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर द सेल इन मार्केट। ठीक है, कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है, जो भी हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं या हम एनिमल्स को पालते हैं, हम बेचने के लिए जो उसको रखते हैं, तो वो चीज़ें हमारी किस में आती है? कमर्शियल फार्मिंग में आती है। इसमें हम तीन टाइप की फार्मिंग पढ़ेंगे। वो हमारी कौन सी होती है? कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, जिसमें हम वीट और जो लार्ज नंबर ऑफ वीट और उसकी हम मेज़ की प्रोडक्शन करते हैं। क्या? और दूसरा हमारा क्या? मिक्स्ड फार्मिंग। और फिर तीसरा हमारा प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ठीक है, क्या हमारा? प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग जो होती है, उसमें क्रॉप जो होती है वो ग्रोन होती है फॉर द कमर्शियल पर्पज़ के लिए। जो कमर्शियल फार्मिंग होती है, उसमें जो क्रॉप्स है वो ग्रो होती है कमर्शियल पर्पज़ के लिए। वीट और मेज जैसे कि कॉमन कमर्शियल ग्रोन ग्रेन्स है, जो कि लार्ज अमाउंट में होते हैं। ठीक है, मेजर एरियाज वेयर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड आर टेम्परेट ग्रासलैंड। अब कुछ एरियाज होते हैं, ठीक है, कुछ एरिया जहाँ पे कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग जो होती है प्रैक्टिस होती है टेम्परेट ग्रासलैंड में, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। नॉर्थ अमेरिका कहाँ पे? हमारा वेस्ट साइड में है। ठीक है, वर्ल्ड का वेस्ट साइड में। और हमारा जो यूरोप है और एशिया, एशिया हमारा कहाँ पे है? ईस्ट साइड में है। ठीक है, और यूरोप भी हमारा ईस्ट में ही है, और एशिया के साथ ही हमारा यूरोप भी लगता है, यानी ये हमारा एशिया है तो यहाँ पे हमारा यूरोप है। ठीक है, दीज एरियाज आर स्पार्शली पॉपुलेटेड। ये जो एरियाज है जहाँ पे ये दोनों चीज़ें, यानी जो ये जो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है, वो जो एरिया होता है वो स्पार्शली पॉपुलेटेड होता है। स्पार्शली मतलब क्या होता है कि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम होती है। विद द लार्ज फार्म, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े फार्म होते हैं स्प्रेडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ द हेक्टर्स। सेवर विंटर्स रिस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन एंड द ओनली सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन। अब जो विंटर्स होते रिस्ट्रिक्ट कर देते ग्रोइंग सीजन के लिए, एंड यहाँ पे सिर्फ एक ही क्रॉप ग्रो की जाती है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे वाले टाइप का, वो होता है हमारा मिक्स्ड फार्मिंग, जिसके अंदर हम जो फूड को भी ग्रो करते हैं प्लस हम एनिमल्स को भी पालते हैं। ठीक है, जो लाइफ स्टॉक्स होते हैं उनको भी रेयरिंग करते हैं। इन मिक्स्ड फार्मिंग द लैंड इज यूज फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर एंड रेयरिंग द लाइफ स्टॉक। ये जो प्रैक्टिस कहाँ पे होती है? ये ईस्टर्न यूएसए में होती है, यानी जो अमेरिका है उसका ईस्टर्न वाला पार्ट में, और अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका यानी ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ के साउथ अफ्रीका वाला पार्ट में ये चीज़ें यहाँ पे मतलब फॉलो होते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। ठीक है, अब चलते हैं हमारा तीसरा टाइप, प्लांटेशन। पहले हम जानते हैं प्लांटेशन क्या होता है। प्लांटेशन का मीन्स क्या होता है? जब हम एक ही क्रॉप को, सिंगल क्रॉप को एक लार्ज एरिया में ग्रो करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? प्लांटेशन। जैसे इंडिगो प्लांटेशन हो गया, ठीक है, शुगर केन प्लांटेशन हो गया, रबर प्लांटेशन हो गया, कैश्यू प्लांटेशन हो गया, कॉफ़ी टी प्लांटेशन हो गया, तो ये सारे क्या होते हैं? प्लांटेशन। तो ये एक टाइप की कमर्शियल फार्मिंग होती है, जहाँ पे सिंगल क्रॉप जो होती है वो ग्रो होती है लार्ज एरिया में। ये सारे हमारे रहे कमर्शियल फार्मिंग के, प्लांटेशन के एग्जाम्पल, जैसे टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना, कॉटन। ठीक है, अब जो लार्ज अमाउंट ऑफ जो लेबर होती है, कैपिटल होती है, वो रिक्वायर होती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, एक्सपेंसिव होता है। अब दे प्रोड्यूस मे बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और नियर बाय फैक्ट्रीज। द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज, यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होता है ये भी ज़रूरी होता है, नेसेसरी होता है। अब जो मेजर प्लांटेशन होते हैं वो फाउंड होते हैं ट्रॉपिकल रीजन में। ठीक है, जो मेजर ये जो प्लांटेशन होती है वो ट्रॉपिकल रीजन में आपको मिलेगा। ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और जैसे रबर मिलेगा आपको मलेशिया के अंदर, इसकी प्लांटेशन होती है। कॉफ़ी ब्राज़ील के अंदर, टी इंडिया के अंदर होता है, जैसे असम की टी बहुत सुनी होगी, फेमस भी होती है, श्रीलंका जो है, और सम एग्जाम्पल्स ये यहाँ पे टी होते हैं, और बहुत सारे कुछ एग्जाम्पल जहाँ पे प्लांटेशंस होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये कमर्शियल फार्मिंग वाला अच्छे से समझ आ गया। कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, इसे हमने तीन टाइप की फार्मिंग देखी थी। तीन टाइप में हमने फर्स्ट एक कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशंस। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि ये कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।